वेलकम टू अभी स्टडी 95। आज के वीडियो में हम आपको जीव विज्ञान से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट को लेकर आया हूं, तो आप मेरे साथ वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। देखिए फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे विटामिन बी के विभिन्न प्रकार, जैसे B1, B2, B3, B5, B6, B7 और B11 का रासायनिक नाम क्या है, इसको हम टिक के माध्यम से देखेंगे। और टिक बहुत आसान है, आप मेरे साथ वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, इसके लिए हम आपको एक टिक बताएंगे और इस टिक के माध्यम से आप B1, B2, B3, B5, B6, B7, B12 विटामिन के रासायनिक नाम को याद कर सकते हैं। तो देखिए टिक है, थाई और आई न्यू पैंट पर बसा। इस टिक को आपको एक से दो बार पढ़ना है, इसके बाद आपको ये ट्रिक याद हो जाएगी और आप इस ट्रिक के माध्यम से सभी विटामिन के रासायनिक नाम को याद कर सकते हैं। तो ट्रिक है थाई और राई न्यू पैंट पर बसा। बस इतने छोटी से ट्रिक के माध्यम से एक एक वर्ड से रिलेट करके हम सभी विटामिन को याद कर लेंगे। तो देखिए हम आपको एक एक विटामिन को याद करा रहे हैं। पहला है थाई, थाई से बनेगा थायमिन, यह विटामिन B1 होता है, इसे ध्यान दीजिएगा। और इसके कमी से बेरी रोग होता है। आपको ट्रिक को एक एक वर्ड से रिलेट करना है और वीडियो के अंत तक बने रहना है, सभी विटामिन आपको याद हो जाएगा। देखिए अगला है ट्रिक में, और साइलेंट है, इसकी कोई मीनिंग्स नहीं है, ये सेंटेंस को पूरा करने के लिए बनाया हूँ। अगला वर्ड है राई, दोस्तों राई से बनेगा राइबोफ्लेविन, यह विटामिन B2 होता है, इसका रासायनिक नाम है राइबोफ्लेविन। यह इस विटामिन की कमी से जो रोग होता है, इसमें त्वचा फटने लगती है, आँख का रोग होता है। अगला है नीम, नीम से बनेगा नियासिन या निकोटिनेमाइड, यह विटामिन B3 होता है और इसकी कमी से मंद बुद्धि और बाल का सफ़ेद होना होता है रोग। अगला है पैंट, पैंट से बनेगा पैंटोथेनिकम, यह विटामिन B5 होता है और फ्रेंड्स इसकी कमी से मानसिक विकार पेलाग्रा रोग होता है, इस पॉइंट को ध्यान दीजिएगा। रासायनिक नाम है पेंटोथेनिक अम्ल। अगला वर्ड है पर से बनेगा पायरीडॉक्सिन, यह विटामिन B6 होता है, ध्यान दीजिएगा, इसकी कमी से एनीमिया त्वचा रोग होता है। तो फ्रेंड्स इस पॉइंट को विशेष रूप से ध्यान रखिएगा, पायरीडॉक्सिन विटामिन B6 होता है, रासायनिक नाम है। अगला वर्ड है ब से बनेगा बायोटिन, यह भी इसका रासायनिक नाम बायोटिन होता है, विटामिन B7 होता है और इसकी कमी से होने वाला रोग है लकवा और शरीर में दर्द होने लगता है। तो रोग को भी ध्यान दीजिएगा और रासायनिक नाम को भी याद रखिएगा। अगला वर्ड है सा, इससे बनेगा साइनोकाबालामिन, यह विटामिन B12 होता है और इसका रासायनिक नाम है, इस रासायनिक नाम को याद रखिएगा, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं। और इससे इसके कमी से होने वाला रोग है एनीमिया पांडु रोग। तो फ्रेंड्स अब देखिए इस ट्रिक को हम अब एक एक वर्ड से रिवीजन करिए। थाई और राई न्यू पैंट पर बसा, आपको एक एक वर्ड से रिलेट करिए और सभी को याद कर लीजिए। थाई से बनेगा थायमिन और साइलेंट है, राई से बनेगा राइबोफ्लेविन, न्यू से बनेगा नियासिन या निकोटिनेमाइड, और पैंट से बनेगा पैंटोथेनिनम, पर से बनेगा पायरीडॉक्सिन, ब से बनेगा बायोटिन, स से बनेगा साइनोकाबालामिन। तो फ्रेंड्स B1, B2, B3, B5, B6, B7, B12 विटामिन आपको याद हो गई होगी और ये सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये सभी रासायनिक नाम आपको टिक के माध्यम से याद करना है, टिक बहुत फनी है। और थाई और राई न्यू पैंट पर बसा, तो देखिए फ्रेंड्स B1 विटामिन, B2 विटामिन, B3 विटामिन, B5 विटामिन, B6 विटामिन, B7 विटामिन, B12 विटामिन, इन सभी के रासायनिक नाम को आप याद कर लिए होंगे। अब मैं आपको इस विटामिन से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट बताऊंगा जो सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है और क्वेश्चंस यहां से पूछे जाते हैं। तो इम्पोर्टेंट पॉइंट है और उसे ध्यान से देखिएगा। हम आपको विटामिन से रिलेटेड कुछ विशेष और महत्वपूर्ण प्रश्न बताते हैं। पहला क्वेश्चन है, किस विटामिन की कमी से यकृत खराब हो जाता है? तो फ्रेंड्स विटामिन B3 के कमी से यकृत खराब हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? तो B12 में कोबाल्ट पाया जाता है, इस पॉइंट को विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सा विटामिन सिर्फ सूक्ष्म जीवों में पाया जाता है?
तो B12 विटामिन सूक्ष्म जीवों में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, मानसिक विकार एवं पेलाग्रा रोग किस विटामिन के कारण होता है? तो B3 विटामिन के कारण होता है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा विटामिन स्वप्न को पर्याप्त समय तक याद रखने में मददगार होता है? तो B6 विटामिन स्वप्न को पर्याप्त समय तक याद रखने में मददगार होता है। अगला क्वेश्चन है, होठ के किनारे कौन से विटामिन के कारण होठ फट जाते हैं? तो B2 के कारण, विटामिन B2 के कारण। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, किस विटामिन के कारण बाल सफ़ेद हो जाते हैं? तो विटामिन B6 और B12 के कारण बाल सफ़ेद हो जाते हैं। RBC बनाने में मददगार होता है कौन सी विटामिन? विटामिन सी, याद रखिएगा। विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कार्बिक एसिड होता है। अगला क्वेश्चन है, स्टेराइड विटामिन होता है विटामिन डी। तो फ्रेंड्स, ये 9 क्वेश्चन थे जो सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, विटामिन से रिलेटेड है, तो ध्यान दीजिएगा। फ्रेंड्स, विटामिन डी का जो रासायनिक नाम होता है कैल्सिफेरॉल होता है, इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, प्रोथ्रोम्बिन के संश्लेषण में विशिष्ट भूमिका निभाता है विटामिन के। और फ्रेंड्स, विटामिन के का रासायनिक नाम फिलोक्विनोन होता है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन से, एंटी कैंसर विटामिन भी कहते हैं, विटामिन ए को कहते हैं और इसका रासायनिक नाम रेटिनॉल होता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन से, प्रोटीन का मुख्य तत्व है कार्बन। अगला क्वेश्चन से, अल्फा केराटीन एक प्रोटीन है जो ऊन और जानवरों के बालों में उपस्थित रहता है। तो ऊन और जानवरों के बालों में अल्फा केराटीन प्रोटीन उपस्थित होता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट है, विटामिन B9 का रासायनिक नाम क्या होता है? तो फॉलिक एसिड होता है, याद रखिएगा। तो फ्रेंड्स, ये हमारे कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे, इम्पोर्टेंट अति महत्वपूर्ण प्रश्न थे जो सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है और यहाँ से क्वेश्चंस जरूर बनेंगे। तो वीडियो को आप लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन जरूर प्रेस करिए ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं समय से आपको नोटिफिकेशन मिले और आप वीडियो को देख सकें। जल्द ही अगले वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।